हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक में क्या क्या कट किया है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक्सरसाइज वन, जो ये 1.4 है जिसमें रियल नंबर को मैग्नीफाइड करना है, इसको पोर्शन को कट किया है। तो आप 1.4 अपने कट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11। इन्होंने एग्जांपल नंबर 11 को भी, क्योंकि इसी पे बेस्ड है, तो इसको कट कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 आप पूरी कट कर लीजिएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। फिर आते हैं पॉलिनोमियल में, इसमें काफ़ी अच्छा खासा चेंज हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, आप निकालिएगा इसमें एक्सरसाइज डायरेक्ट 2.2 के बाद, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम जो है 2.4। तो इसमें उन्होंने इसको कट किया, रिमाइंडर 2.4 पे बेस्ड एग्जाम्पल 6 है, वो भी आप कट कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 आप कट कर लीजिएगा। आफ्टर देन एक्सरसाइज 2.3 जो है वो पूरी कट कर लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, यानी फैक्टर थ्योरम जो है वो भी कट की है। तो आप इसमें एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 13 और आफ्टर देन एग्जांपल नंबर 14, फिर एग्जांपल नंबर 15 कट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.4 पूरी कट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, इन्होंने इसमें जो 48 पेज पर जो आइडेंटिटी दी है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, इसको कट कर लीजिएगा। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 25 है, उसे आप कट कर लीजिएगा। आफ्टर देन आप क्वेश्चन नंबर 2.5 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आफ्टर देन आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया है। इसके बाद का जो चैप्टर है दोस्तों, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें भी दोस्तों ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो चेंज हुआ है वो आपके रेफरेंस की बुक में एनसीईआरटी में नहीं इंक्लूड है उसका पार्ट। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने चैप्टर 5th जो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ये पूरा ही कट कर दिया है। आफ्टर देन दोस्तों हम बढ़ते हैं 6ठे चैप्टर की तरफ, लाइन्स एंड एंगल्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है ट्राइंगल। ट्राइंगल में दोस्तों इन्होंने जो कट किया है वो है आपके पास ट्राइंगल चैप्टर है। ट्राइंगल चैप्टर देखिए, आप देख सकते हैं ट्राइंगल चैप्टर में उन्होंने थ्योरम 7.1, यानी कि ए ऐसे कॉन्ग्रेंसी रूल कट किया है दोस्तों। इस पर आप ये जो है आपको थ्योरम 7.1 कट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये केस 3 वगैरह देख रहे हैं, इसमें भी आप इसे कट कर लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम नंबर 3 इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। एएस रूल है, जिसे हम एएस रूल भी कहते हैं, तो इसको आप कट कर लीजिएगा। आफ्टर देन दोस्तों, इस एक्सरसाइज 7.1 में अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हो, तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है एंड सेवन्थ क्वेश्चन जो है, ये जो है ये एएसए या एएस रूल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप कट कर लीजिएगा। आफ्टर दोस्तों, इन्होंने जो कट किया है इन्होंने, इसके बाद आप पेज नंबर खोलिएगा 129, इसमें इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल है, ये पूरा पोर्शन इन्होंने कट कर दिया है, क्योंकि इसी पे बेस्ड थ्योरम 6.7 है, थ्योरम 7.18 है और एक्सरसाइज 7.4 इस पर पूरी बेस्ड है, इसको आप पूरा कट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नो क्वाड्रिलेटर, इसको कोई चेंज नहीं हुआ है। क्वाड्रिलेटर के बाद दोस्तों हमारा चैप्टर आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखते हैं दोस्तों, ये चैप्टर पूरा ही कट कर दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, जो कि आपका 9th चैप्टर है। आफ्टर दोस्तों हम देखते हैं सर्कल। सर्कल में दोस्तों इन्होंने एक थ्योरम, एक 10 पॉइंट थ्योरम 10.4 के बाद जो है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, इन्होंने इस पेज को, इस टॉपिक को पूरा कट कर दिया है। तो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.3 है, वो आप पूरा कट कर दीजिएगा। आफ्टर डेन दोस्तों, फिर इन्होंने कट करवाया है 10.10, ये देख सकते हैं आप 10.10 थ्योरम है, ये पेज नंबर 181 में इसको कट करा है दोस्तों, तो आप इसे कट कर लीजिएगा। आफ्टर देन दोस्तों, इन्होंने कंस्ट्रक्शन में जो है एक थ्योरम कट करवाई है, जो है थ्योरम आपकी के कंस्ट्रक्शन नंबर 11.6 है, कि इसमें क्या करना है आपको, एक कंस्ट्रक्शन जो है ये करना है, टू अ कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल गिवन इट्स पैरामीटर एंड टू बेस लाइन। तो इसको आप 11.6 को भी आप कट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है आप फिर एग्जांपल नंबर 1 जो है वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1 कट कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 4th एंड 5th कट कर लीजिएगा 11.2 में दोस्तों। उसके बाद जो है ह्यून्स फार्मूला में इन्होंने वो क्वेश्चन कट करवाए हैं जो क्वाड्रिलेटर में लगते हैं दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 11.1 में जो क्वेश्चन कट करवाए हैं वो आपके पास 12.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। इसमें मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कट हुए हैं। इसमें तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि क्वाड्रिलेटर में जो लगाने हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5th कट कर लीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर 6 कट कर लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 6 कट कर लीजिए। 12.2 में आप 1st, 2nd, 3rd, 5th एग्जाम्पल और 8th एग्जाम्पल आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि, और हाँ दोस्तों, इसमें 7th एग्जाम्पल भी यही दिख रहा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर ये 7th जो कह रहा हूँ मैं, 8th एग्जाम्पल जो है ये आप कट कर लीजिएगा, 9th एग्जाम्पल भी आप इसमें कट कर लीजिए दोस्तों। इसमें आप सिर्फ 5th एंड
नाइन्थ एग्जाम्पल ही आप कट करना, ठीक है दोस्तों। और इसमें सेवन्थ एग्जाम्पल भी कट कर लीजिए। तो दोस्तों इतना था इसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर स्टैट की तरफ। तो स्टैट में इन्होंने जो कट करवाया है वो कट करवाया है इन्होंने हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम आप कट कर लीजिएगा, हिस्टोग्राम है एग्जाम्पल, हिस्टोग्राम पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर सेवन था वो कट कर लीजिएगा। आपके दिन फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हो गया है सर, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर एट था वो कट कर लीजिएगा। और दोस्तों 4.3 में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन जो हैं वो भी सेकेंड और थर्ड वो हिस्टोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इन्हें कट मत करिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये आप इस हिस्टोग्राम के क्वेश्चन है ये आप कट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें कि 4.14.3 में आपने सिर्फ सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन ही आपने सेकंड क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन ही आपने इसमें करना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी में इसमें कोई चेंज नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैंने शॉर्ट टाइम में आपको पूरी एनसीईआरटी में टिक लगा दिएगा, आप इसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस तैयार कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ ऐसी नॉलेज सीबीएसई की नॉलेज देने के लिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।